हेलो, गुड मॉर्निंग, कोनिचीवा, नमस्ते। आप जब भी देख रहे हैं यार, तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप लोगों को पता होगा कि यार मैं शिफ्ट हो गया हूँ दूसरी जगह पे, और यहाँ पे यार काफ़ी सूना सूना लग रहा है। और देख सकते हो अब ये पीछे बड़े गजब गजब के यहाँ पे मंसन है। ये अपार्टमेंट नहीं है, ये जहाँ पे मैं रहता हूँ ये मेरा पीछे वाला है। और ये इसके सामने पहले मैंने यहाँ पे एक रूम देखा था, बट यहाँ पे तीन रूम थे तो मुझे मज़ा नहीं आया वहाँ पे तीन रूम में रहने में, मैंने इधर वाला चूज़ किया। तो अभी मैं यार कल रात में पहुंचा था यहाँ पे, और तो यहाँ पे यार कुछ खाने पीने के लिए तो अभी कुछ मैं लेके आया नहीं था। जाता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे सुपर ऊपर कहाँ पे है, सुपरमार्केट पास वगैरह में है पास में कि नहीं। वैसे है यहाँ पे एक दिखा रहा है 400-500 मीटर यहाँ के दूरी में, तो वहीं पर जाता हूँ, देखता हूँ कुछ खाने पीने के लेते। कल से खाया नहीं कुछ रात से। बाकी ग्रॉसरी वगैरह की यार ऑर्डर करके मंगाऊँगा, मेरे पास नंबर है जहाँ से मैं मंगाता था, तो उसने बोला कि हम भेज देंगे आप जहाँ पे भी जाओगे। ये जो कुरमे सिटी है ना, तो कुरमे सिटी यहाँ से 12 किलोमीटर 11 या 12 किलोमीटर पड़ती है, और उसके आउटसाइड में है ये, तो इसको इनाका बोल सकते हैं, कंट्री साइड। तो बहुत सोना सोना है लग रहा है, और खेती बाड़ी लोग यहाँ के लोग करते हैं। तो चलते हैं सुपर मार्केट, देखते हैं वहाँ पे खाने पीने कुछ मिलता है कि नहीं। बाकी आगे आपको दिखाता हूँ यहाँ का विलेज एरिया। देखो यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा यार ज़्यादा, इक्का दुक्का आदमी दिखते हैं यहाँ पे, और ये सामने गाड़ी वाड़ी आ रही है, बहुत ही कम लोग हैं यार यहाँ पे। ये मेरा सामने मेंशन है, ये अपार्टमेंट नहीं, ये लग्जीरियस है भाई साहब। इसकी मैं आपको होम टूर कराऊंगा, बिंदास रूम मिला इस बार। देखो ये फिश की शॉप है यार, छोटी सी होगी, नीचे बेचते होंगे। सब कुछ सोना सोना दिख रहा है यहाँ पे। ये मैप लगाया हुआ है, टर्न राइट टर्न लेफ्ट बोल रहा है। सुपरमार्केट जाना है यार, इसीलिए देख सकते हो भाई साहब कंट्री साइड के घर हैं, पर फिर भी लग्जीरियस टाइप के हैं सारे। एक्चुअली क्या है ना, देखो कितने बढ़िया बढ़िया मेंशन अपार्टमेंट बने हैं। एक्चुअली क्या है कि लोग काम करना सिटी में पसंद करते और रहना ज़्यादातर विलेज एरिया टाइप में करते ना, इस करके शायद यहाँ पे काफ़ी लोग रहते हैं। इसको जोजिन माची सिटी बोलते हैं। ये सामने पैनासोनिक का सुपरमार्केट दिख रहा है, छोटा सा दुकान। मुझे लाइट वगैरह लेनी थी यार, ऊपर छत वाली जो लाइट होती है वो है नहीं है, पर ये तो नई है तो यहाँ तो महंगा मिलेगा यार, मैं सेकेंड हैंड खरीदेंगे, पैसा क्यों खर्चने। ये क्या यार नाले टाइप का, पर यहाँ पे मछली बहुत बड़ी बड़ी है यार, बिल्कुल ऊपर ही दिख रही है बड़ी बड़ी मछलियाँ। वो अगर आपको दिख रही हो तो काफ़ी बड़ी बड़ी मछली है यार यहाँ पे। तो लोग यहाँ पे खेती भी करते हैं और रहते भी हैं। मुझे तो यार आदत हो गई है वैसे भीड़ भाड़ में रहने की, सिटी में रहने की। देखते हैं यहाँ पे कैसा कटता है टाइम। यार फैसिलिटी तो वैसे यहाँ पे सब कुछ है, मिल जाएंगी, और आपको दिख नहीं रहा होगा बट यहाँ से मुझे दिख रहा है मेरी कंपनी जहाँ पे मेरी जॉब लगी है, जहाँ पे मैं मॉर्निंग से अपनी जॉब स्टार्ट करूँगा। तो पास में ही है मेरे रूम से, ज़्यादा दूर है नहीं, और पैदल भी जा सकता हूँ, 550 मीटर रूम से मेरे दिख रहा है। बाकी एक छोटा सा पार्क है, कभी जब मन लगेगा तो यहाँ पर आ जाया करेंगे। यार सुपरमार्केट ढूंढ रहा था, ये छोटा सा डेयरी शॉप लिखा हुआ है इसमें, अब नेट में यही आ रहा है सबसे नज़दीक। अब मुझे इसमें लगता नहीं है कि कुछ क्या ही मिलेगा यार इसमें, इतना छोटा सा ये डेयरी शॉप लिखा, दूध वगैरह क्या मिलेगा, पर लिखा है इसमें नेट में कि ग्रोसरी भी मिलती है। अब इसके अंदर जाके देखता हूँ, वैसे है तो यही छोटा सा है, तो देखते हैं। और ये सामने मेरी, इसी के सामने मेरी कंपनी है यार, इसका मतलब पास में ही हूँ तो बढ़िया है फिर तो। हेयर सैलून भी है यहाँ पे पास में, और यहाँ पे ना सारे 8 बजे सब बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है, कुछ नहीं मिलता 8 बजे के बाद यहाँ पे। ये क्या बजा रहा है भाई साहब,
के यहाँ पे तो नाले नाले ही दिख रहे हैं। अरे यहीं पे एक नियर में और नेट में दिखा रहा था सुपर मार्केट, वही सुपा जो छोटी सी शॉप बोल सकते हो, वो तो दिखा नहीं, तो वो ढूंढ रहा था, वो तो उसमें आगे गया तो वो कुछ नहीं दिख रहा है उसके सामने, तो मैं कहा इसमें क्या ही मिलेगा। और यहाँ पे ना यार कोई फॉरनर वगैरह है नहीं, शायद कम होंगे, तो मुझे जो लोग देख रहे हैं ना बड़े मतलब कि पक्की नज़र से देख रहे हैं, बिल्कुल टिका की नज़र देख रहे हैं कि कौन आ गया है यहाँ पे। तो वैसे फुकुओका साइड में तो हैं, बट यहाँ पे शायद कम होंगे या फिर नहीं होंगे, तो मुझे बड़ी नज़र वैसे देख रहे हैं। जो कार से कोई आ रहा है तो कार से विंडो नीचे करके देख रहा है, कोई रास्ते में है तो रास्ते में देख रहा है। तो ठीक है, हम फॉरनर हैं, हमें सब कोई देखेगा, है ना, पर हम भी देख लेते कभी कभी। तो वही लास्ट ऑप्शन बचता है यार, वहीं से देखते हैं क्या मिलता है। बाकी मैं सोच रहा था कि यार अगर कोई बड़ी मिल जाए मार्केट वर्केट तो कुछ अच्छा मिल जाएगा खाना पीने, लेकिन मे भी है नहीं यहाँ पे आसपास, दूर ही जाना पड़ेगा। साइकिल वगैरह में नहीं है, नहीं तो मैं तो निकल जाता, शायद 3-4 किलोमीटर है यहाँ से तो निकल जाता, बट साइकिल वगैरह है नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत है। ये रास्ता तो वैसे काफ़ी बिजी है यार, गाड़ी वगैरह काफ़ी ज़्यादा आती हैं, पर नाइट में कुछ नहीं दिख रहा था, अभी दिन में ही दिख रहा है। दिन में घूमने के लिए ठीक है, पर रात में 8 बजे के बाद तो यहाँ पे शायद ही कोई दिखेगा। ये सामने चाइल्ड केयर स्कूल है, जोजिमा हाइकू एन, जैसे मतलब चाइल्ड केयर सेंटर बोल सकते हैं, स्कूल नहीं, जैसे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जब मम्मी डैडी काम पे जाते हैं तो बच्चों की केयर करने के लिए कोई नहीं होता, तो उनको बच्चों के यहाँ पे छोड़ के जाते हैं, तो एक हिसाब से गाको भी बोल सकते हैं, मतलब स्कूल चाइल्ड केयर सेंटर ही है। मिसे जो बता रहा था शॉप, तो देखते हैं यार, जा रहा हूँ अभी इसी के अंदर, देखते हैं क्या मिलता है। अरे यार शॉप तो देखने में बड़ी छोटी थी, पर सामान मुझे जो ज़रूरत थी सारा ही मिल गया, और साइकिल नहीं है ना तो भारी हो गया, चावल भी लिया 5 केजी का, चावल बस महंगा मिला यार, बाकी यहाँ पे चीज़ें सारी सस्ती मिल गई हैं। एक्चुअली लगता है यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह खुद उगाते हैं ना, तो इसलिए सब्ज़ी सस्ती मिली है, पर ये चावल महंगा है। फुकुओका में मैं 2000 का 10 किलो आ जाता था, पर ये 5 केजी है 2500 का, तो यार ये तो बहुत महंगा है, ये ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाना पड़ेगा। क्या है कि भारी ज़्यादा, दोनों हाथ में 5-5 किलो का वेट है, और 500-600 मीटर है वहाँ से मेरा टोटल, तो मैं आधा दूर आ गया, 300 मीटर दूर अभी जाना है, तो साइकिल लेनी पड़ेगी गुरु, नहीं तो यहाँ पे चलेगा नहीं, या फिर देखते हैं लाइसेंस बनवाता हूँ तो स्कूटी वगैरह लेते हैं, नहीं तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं यार। और सामान तो वैसे मिल गया लगभग सब कुछ, बस चावल महंगा मिला, बाकी सब ठीक है। थक गया हूँ यार, इंतज़ार कर रहा हूँ, थोड़ा सा हाथ रिलैक्स हो, काफ़ी भारी है यार। तो यही होता है यार, अगर आप सिटी में रहते हैं और विलेज एरिया में रहते हैं तो इतना तो फ़र्क देखने को मिलेगा, कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आएंगी यार। अगर वहाँ पे होता तो तुरंत या तो साइकिल से जाता, या फिर ऑर्डर कर दो तो आ जाता है, या फिर पास में शॉप वगैरह होती तो मिल जाता है। अब ये दूर भी है, छोटी शॉप भी है, तो ज़्यादा मतलब कि ऑप्शन भी नहीं है, तो देख लेना कहीं पर जॉब करना है तो, अगर आपको विलेज एरिया पसंद है तो विलेज में जाओ, नहीं तो फिर अच्छे एरिया में जाओगे अगर सिटी वगैरह में तो ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगी, ऑप्शंस ज़्यादा होगा। तो फाइनली पहुंच गया यार अपने रूम पे, दोनों हाथ दर्द करने लगे यार, वेट थोड़ा ज़्यादा था, 5-5 किलो का साइज दोनों साइड में थे, एक्सरसाइज हो गई अच्छे से, लेकिन पैदल आने में तो यार बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज हो गई। ये सामान लेके आया हूँ यार, केले, अंडे, टोमेटो, ब्रेड और खीरे, शिमला मिर्च, और ये मिल्क है, और ये ला के आया हूँ चीनी, तमाने की बोलते हैं इसको, ओनियन को, और ये एक हैंड वॉश, और ये है 5 केजी का चावल, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा है। तो यार यही फ़र्क होता है गांव और शहर में, कि देखो अभी इतने दूर से मैं सामान लेके आया, और थोड़ा कुछ सस्ता मिला, थोड़ा कुछ महंगा भी मिला कुछ सामान। तो अगर गांव में रहते हैं तो थोड़ा सा खाना पीना जो होगा वो देसी टाइप का मिल जाएगा, सब्जियाँ वगैरह सस्ती मिल सकती हैं, और लेकिन फैसिलिटी कम होगी, आपके पास ऑप्शन कम होगा। और अगर आप शहर में रहते हैं तो आपके पास फैसिलिटी ज़्यादा होगी, ऑप्शन ज़्यादा होगा, जो भी शॉप होगी सुपरमार्केट वो पास में मिल जाएगी, तो थोड़ी बहुत तो कंप्रोमाइज़ करनी पड़ती है यार, अगर लाइफ की गाड़ी को चलाना है तो थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन रह नहीं जाता। तो यार मैं भी कल से खाना नहीं खाया, थोड़ा सा भूख लगी है, तो सबसे पहले मैं बनाऊँगा बनाना शेक, फिर उसके बाद में खाना बनाऊँगा। ये ना ग्राइंडर मैंने काफ़ी टाइम पहले ख़रीदा था, 1.5-2 साल पहले, इसमें पहले मैं
प्याज वगैरह ग्रिंड करता था मसाले के लिए, खाने पीने सब्जी सब्जी बनाता था ना, तो इसमें मसाला मैं करता था प्याज वगैरह, बट वो स्मेल मारने लगा था थोड़ा, तो थोड़ा टाइम रुक के फिर मैं इसमें बनाना सीख पड़ने लगा, क्योंकि मसाले के लिए मैं अलग से एक छोटा सा मिलता है ग्राइंडर, वो बेस्ट है, तो उसको लेके आया तो उसमें करता हूँ। इसमें नीचे प्याज वगैरह फंस भी जाती थी, पर इसमें सेक वगैरह बहुत बढ़िया बनता है। एक बात बताऊँ, केला बहुत टेस्टी है एक्चुअली, जो वहाँ पे मैं लेता था और केले ना, उसमें यार मीठा कम होता था, मीठापन मतलब स्वीट कम होता था, पर ये यार मीठा है, बढ़िया है, मतलब देसी होगा शायद गांव का, इसीलिए मेरे पास पड़ा है बहुत सारा काजू बादाम, ये सब खाए नहीं मैंने बहुत टाइम से, टाइम ही नहीं मिलता यार खाने पीने का, तो अब मैं यही काम करता हूँ, शेक सूप बनाता हूँ उसी में यूज़ कर लेता हूँ। बाकी आइटम तो बहुत, बादाम बुदाम भी बहुत पड़े हैं, यह आवाज़ बहुत करता है। टेस्टी बना यार, मैंने इसमें चीनी भी नहीं डाली, नहीं वहाँ पे जब मैं ना बनाता था तो चीनी डालता था, शायद केले तो सेम ही है बट पता नहीं क्यों ये मीठे है ज़्यादा, तो चीनी वगैरह नहीं डाली तो अच्छा लग रहा है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो में, और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब कर रखा है ना, तो सच में यार दिल से बहुत 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 थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया ना यार कर लेना यार प्लीज़, क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। थोड़ी सी ज़्यादा फैमिली बढ़ेगी तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आएगी, काम करने में अच्छा लगेगा, तो जो भी प्लीज़ चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लेना। तो ठीक है, मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायनारा, टेक केयर।